सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज हम क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर करेंगे, चैप्टर 3, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, मोशन वर्ड बहुत ही इजी सा है सुनने में, और ये हमारा 9th का चैप्टर था। अगर आप सबको याद हो तो उसमें आपने मोशन पढ़ा था। मोशन का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो उसे मोशन कहते हैं। अब सिंपल वर्ड्स में मोशन को समझते हैं। हर चीज, मतलब जो भी आप अपने आसपास में देखते हैं या यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, तो हमें पता है कि वो सब चीजें मोशन में हैं। अब वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टली मोशन में हैं और कुछ ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली मोशन में हैं। डायरेक्टली मोशन में आप देखें तो जैसे आप कोई व्हीकल है, चल रहा है, या आप मूव कर रहे हैं, अर्थ की रोटेशन हो गई है, इस टाइप से ये सारी चीजें क्या है? मोशन में है। और कुछ चीजें इनडायरेक्टली कैसे हैं? जैसे सपोज बिल्डिंग, अब आप सोचेंगे बिल्डिंग किस तरीके से मोशन में है, या फिर कोई माउंटेन है या फिर कोई हिली एरिया है, वो किस तरीके से मोशन में है? तो हमें पता है अर्थ एक जगह पे तो रहती नहीं है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो वो उनके बिहाफ पे, अर्थ के बिहाफ पे अगर हम ऑब्जर्व करें और देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि वो भी किस में है? मोशन में है। तो इसीलिए मैंने बोला कि हर चीज मोशन में होती है, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप बर्ड्स के फ्लाइंग देख लीजिए, काइट उड़ रही है, या फिर कोई भी चीज है ऐसी जो अपनी पोजीशन को चेंज करती है, मींस कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है, वो सारी चीजें क्या होती है? मोशन। उस पोजीशन को हम कहते हैं मोशन। तो ओवरऑल सारी चीजें किस में होती है? मोशन में। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई किसी भी चीज की हम बात करते हैं, तो उसकी बेसिकली दो ही पोजीशन हो सकते हैं, या तो मोशन या फिर रेस्ट। मोशन मैंने आपको बता दिया कि किसी भी चीज का या ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इट्स सराउंडिंग, तो वो मोशन है। सेकंड सिचुएशन आती है आपकी एट रेस्ट या फिर रेस्ट पे। रेस्ट का मतलब है कि उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आता सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, जो मीन्स उसके आसपास में चीजें हैं ऑब्जेक्ट के, उसके बेसिस पे अगर देखें तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो मोशन में आपके दो चीजें आती हैं, मोशन और रेस्ट, दो सिचुएशंस होती हैं। इसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेट का मतलब क्या? एकदम सीधा। स्ट्रेट लाइन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। अब ये जो हमारा चैप्टर है, इससे पहले हमने दो चैप्टर्स करे हैं, फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ फिजिक्स का इंट्रो था। जो हमारी एक्चुअल फिजिक्स है या जिसे हमें बहुत ही ज्यादा बार पढ़ना पड़ेगा और जिस चीज को समझने में आपकी पूरी पावर लगने वाली है, तो वो आपका 3rd चैप्टर ही है। मतलब कि यहाँ से जो स्टार्टिंग है, आप जितने भी चैप्टर्स बचे हैं उन सब में आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करते हुए चलना है। जहां एक बार डाउट आपने कलेक्ट करना स्टार्ट किया, तो वो आपके पास लास्ट में बंडल बनने वाला है और जो आपका सॉल्व नहीं होगा। तो अगर मोशन, अब देखिए हमारा चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आपकी जो फिजिक्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स और डायनामिक। ये 3 ब्रांचेस होती हैं जो हम पढ़ते हैं। स्टैटिक की बात करें तो इसका मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एट रेस्ट पे हो, मींस उसमें कोई मूवमेंट ना हो रही हो, उस टाइम पे जब स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम स्टैटिक कहते हैं। देन काइनामेटिक्स का मतलब क्या होता है? ये आपकी मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, और मैकेनिक्स की ब्रांच है तो ऑब्वियसली इसमें मोशन तो होगा ही होगा। तो इसमें मैकेनिक्स की जो ब्रांच है, इसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं, मींस कि ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है या फिर विदाउट मोशन है, लेकिन इसमें हम फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। फैक्टर्स मीन्स कि जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक टेबल है या चेयर है, तो उसमें मोशन हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अर्थ के बिहाफ पे हम देखें तो यस, वो चीज भी मोशन में है, बट अगर आपको उसको एक्चुअल में हिलाते हुए दिखाना है किसी को या देखना है, तो उसका एक ही वे है कि आपको उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, मींस कि आप चेयर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह खुद जब तक नहीं रखेंगे वो अपने आप मूव नहीं करेगी। तो ऐसे सिचुएशन जब आपके पास कोई एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई होता है, जैसे फोर्स है, तो उसे आप काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। और डायनामिक का मतलब होता है ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न विद द मोशन बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स।
और इसमें भी आप जब एक्शन ऑफ फोर्स पढ़ते हैं तो उस टाइम पे हम इसे डायनामिक्स में लेते हैं। अब जब हमारा जो चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो हमारा काइनेमेटिक्स की एक ब्रांच है, इसी में ये टॉपिक आता है आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया रेस्ट एंड मोशन, तो जो रेस्ट एंड मोशन है वो दोनों आपस में रिलेटिव होते हैं, मीन्स एक दूसरे पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो डिपेंड करते हैं। और ये टॉपिक आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डीपली हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए रेस्ट एंड मोशन किस तरीके से रिलेटिव है, तो आपने देखा है अगर यहाँ पे मैंने एग्जांपल एक बस का लिया, मूविंग बस, अगर आप बस देखें तो उसमें जो अंदर पैसेंजर बैठे हुए होते हैं वो एट रेस्ट पे होते हैं और बस मूव कर रही होती है। बट अगर आप बाहर खड़े हैं और बस आपके सामने से जा रही है तो आपके अकॉर्डिंग आप रुके हुए हैं और मूवमेंट किस में हो रही है, बस में हो रही है। बट जो बस के अंदर से देख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वो रुके हुए हैं और मूवमेंट किस में हो रही है, आप में हो रही है। तो इस तरीके से रेस्ट और मोशन दोनों आपस में रिलेटिव होते हैं। देखिए इसे, इट मींस दैट एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन कैन बी एट रेस्ट बट इन अनदर सिचुएशन द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन। एग्जाम्पल दे रखा है, अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस फेलो पैसेंजर्स बट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस। तो ये आपका एग्जाम्पल था कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन में है तो ये दोनों चीजें आपकी आपस में रिलेट करती हैं। मोशन हमने नाइन्थ में जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इसके पार्ट्स भी होते हैं मोशन के, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन वही मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन। अब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। इट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में या एक पर्टिकुलर पाथ पर मूव करता है तो उसे आप स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। इसमें एग्जांपल आपको दे रखा है मोशन ऑफ अ कार ऑन हाईवे। अब डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मोशन के दो पार्ट्स है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये सारी चीजें हम नाइन्थ में पढ़ चुके हैं बट एक बार इसकी रिवीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नहीं इतना ध्यान दिया होगा या फिर भूल गए होंगे, तो एक बार उनकी रिवीजन होना ये इम्पॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे उन सबके नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल पे किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लोर विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी इज अगेन एंड मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक अ फैन रनिंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड। ये दो मैंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपके कोई भी क्लॉक है उसके हैंड्स की मोशन हो रही है, टाइम बिल्कुल परफेक्ट चलता है आपका, कोई इसमें चेंजेस नहीं आते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल टाइम इंटरवल कवर होता है, ठीक है। फैन रनिंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड, तो यह मैंने क्लॉक का एग्जाम्पल ले रखा है। अब इसमें हमें पता है कि नॉर्मल सब में सेम 1 hour 60 minutes के इक्वल होता है तो ये सबके लिए सेम होता है। जब यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ की बात करते हैं तो वो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, ओरिजिन से पास होते हुए जाता है। अब नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब हम कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम देखिए एक स्ट्रिंग है, उससे आपने बॉब को बांधा हुआ है और ऐसे ऐसे रोटेट करवाया, तो आप देखते हैं कि जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं मीन्स उसको पुश करते हैं तो वो काफी स्पीड से ऐसे रोटेट करता है, और जब उसमें फोर्स कम होता जाता है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो होते होते वो एक अपने ओरिजिन पे आ जाता है या एक पॉइंट जिससे उसने स्टार्ट किया होता है तो वो वहीं पे आ जाता है। मोशन ऑफ अ ट्रेन मीन्स कि पहले स्पीड कम होती है फिर धीरे धीरे तेज होने लग जाती है, ब्रेक से पहले फिर धीरे हो जाती है, तो ये आपका क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका ग्राफ ये 3-4 टाइप से होता है। इसमें देखिए मीन्स कि जब कभी भी आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब इसमें देखिए इस तरीके से, ये यहाँ से इस तरीके से, तो ये आपके कुछ ग्राफ्स हैं। अब ये वो चीजें थी जो आपने पहले नाइन्थ में पढ़ी थी, बट जो हमारा 11th का जो टॉपिक है उसमें इनको आपको पढ़ना है। अब मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के अलावा जब आप मोशन की बात करते हैं तो वो आपका और 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसे 1 dimension 2 dimension and 3 dimension कहते हैं, इन शॉर्ट 1D 2D and 3D।
अब मोशन आपका 1, 2 और 3 डायमेंशन है, 1 by 1 एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। 1 डायमेंशन का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट सिंगल डायरेक्शन में जाता है थ्रू आउट इट्स जर्नी, मतलब पूरी जर्नी खत्म करने तक वो एक ही डायरेक्शन में रहता है, यानी कि एक्स एक्सिस पे रहता है, तो उसे आप कहते हैं 1 डायमेंशन। मैंने एग्जाम्पल एक आंट का लिया है, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपके एक्सिस होते हैं, तो इसमें एक ही डायरेक्शन पे जब आंट मूव करती है एक्स एक्सिस पे ही, तो वो आपकी 1 डायमेंशन हो गई। 2 डायमेंशन का मतलब हो गया, 2 डायमेंशन आपका प्लेन से डिस्क्राइब होता है। प्लेन का मतलब है कि कोई चीज है जो आपकी 2 डायरेक्शंस में जाती है, जैसे सपोज आपकी कोई टेबल है, टेबल का ऊपर का सरफेस है, उस पर आंट या कोई भी चीज मूव कर रही है, तो उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाना इजी नहीं होता। तो एग्जांपल है आंट मूविंग ऑन द टॉप सरफेस ऑफ डेस्क। और 2 डायमेंशन मोशन में आपकी 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्क्यूलर। प्रोजेक्टाइल आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड होगा, आपने ये पहले नहीं सुना होगा, बट यस सर्कुलर मोशन आप पहले पढ़ चुके हैं। सर्कुलर मोशन का मतलब है कि जब मोशन आपका एक पर्टिकुलर सर्कल में होता है, मीन्स एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस से उसी पॉइंट पर आके मीट कर जाना, तो आपका सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा था। अब प्रोजेक्टाइल आपके लिए थोड़ा सा अलग है, तो इसे देखिए, प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है एक ऐसी शेप बना या फिर ऐसा कुछ बना, जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको पहले बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने चलती हुई कार से किसी पत्थर को थ्रो किया या ऊपर से किसी चीज को नीचे फेंका, तो जब इस तरीके से शेप आती है तो वो आपका क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जाम्पल देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि कोई भी चीज ऊपर से नीचे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से आती है, तो विदाउट ग्रेविटी चीज नीचे नहीं आएगी। अब एग्जांपल है, बॉल थ्रोन फ्रॉम अ मूविंग कार, एक चलती हुई कार है, उससे आपने बॉल को फेंका तो वो शेप बनेगी। इन अ क्रिकेट मैच अ फील्डर थ्रोज अ बॉल टूवर्ड्स अ विकेट्स, और विकेट की साइड बॉल फेंकना, तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि क्या होते हैं आपके 2 डायमेंशंस में आते हैं। अब 3D की बात करते हैं, 3 डायमेंशन का मतलब होता है कि जब कभी भी मोशन आपका एक्स वाई जेड तीनों एक्सेसिस पे होता है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सेसिस पे जब भी मोशन होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, 3D। इसमें एग्जाम्पल है फ्लाइंग काइट। फ्लाइंग काइट मीन्स जब आप काइट फ्लाई करते हैं तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। उसके अलावा मोशन ऑफ अ कार ऑन अ कर्वी हिली रोड, जहां पे हिली एरियाज होते हैं ऊपर से कर्व्स हो, तो वो कार आपकी ऐसे घूमते हुए जाती है, मींस कि जिस तरीके से रोड घूमेगी उसी तरीके से कार की मोशन होती है, तो वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती। और उसके अलावा एग्जांपल है बर्ड फ्लाइंग। तो ये जो चीजें थी, ये हमारा बहुत ही बेसिक सा इंट्रो था। मैंने इस चैप्टर को, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को, एकदम बेसिक से जीरो से स्टार्ट किया है, और आपको मुझे लगता है कि आपको समझ आना चाहिए, बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। अब जब हम मोशन का इतना पढ़ते हैं, तो ये सिर्फ अभी तक हमने मोशन का इंट्रो किया। मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन में, इट मीन्स कि आपको रेक्टिलिनियर मोशन भी उसे बोल सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर को और आगे समझने के लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ना पड़ता है, और ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हमने 9th में पढ़ी होती हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, बट अगर आपको ये क्लियर नहीं होती तो आप ये चैप्टर को पढ़ नहीं पाएंगे। इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो फिजिकल क्वांटिटीज या उन फिजिकल टर्म्स को पढ़ाने वाली हूँ। 1 by 1 हम एक एक को डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में हमने जितना भी पढ़ा है उसके नोट्स आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएंगे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।